सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम करतनी, आदिशक्ति जगदम्बा के चरण में प्रणाम करतनी, धरती में बैठल धरती माता के प्रणाम करतनी, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करतनी, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में प्रणाम करतनी, वहाँ प्रणाम स्वीकार होके आई दीदी आप लोग के बीच में वो कथा सुनाओ तनी। उम्मीद करतनी कथा वो लोग के अच्छा लगे, अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब करो, वीडियो के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखी, मतलब हर हर महादेव लिखला से आप लोग के सारा दुख परेशानी हमार महादेव हर लिम। तो आई आप लोग के बीच में वो कथा लेके आई बनी, उम्मीद करे तनी बहुत अच्छा लगी आपकी कथा। देखिए दीदी, एगो गाँव में एगो गुरु भाई गुरु बहिना रहत रहे लो, महादेव के बहुत बड़ा पुजारी रहे लो, महादेव के बहुत पूजा पाठ करत रहे लो कुछ दिन ले ऐसा चलल। ओकरा बाद से देखी जब कुछ दिन ऐसे शिव चर्चा में जा लो अपन खाए भर के हो जाओ, कमा लोग उतना इतना कमा ले लो कि खाए भर के हो जा, दू गो बच्चा रहे लोग उनकर, आ एगो मड़ई डाल के रहत रहे लो, एक ही मड़ई रहे वही में बाल बच्चा आ अपने रहत रहे लो। एक दिन के बात बा दीदी देखी का भइल कि साँझ के बेरा रहे जौन शिष्या रही गुरु भाई जौन गुरु भाई गुरु बहिन रहे लोग, गुरु भाई बाहर बैठल रहलन खटिया बिछा के, आ गुरु बहिना का कैली लाइट रहे नहीं अजोर रहे नहीं, एगो का कैली गुरु बहिना दिया जरौली दिया जरा के, आ दिया जरौला के बाद से जाके सोचली कि साँझ के बेरा रहे गुरु भाई बाहर बैठल रहन, गुरु बहिना रहली घर में, सोचली कि दिया जरा दे लाइट उइट कहाँ बा, तो का कैली ढेबरी जरौली ढेबरी जरा के लेके जात रहली, छानी में निकलल रहे कुछ लकड़ी लकड़ी उकड़ी टाइप के लटकल रहे, अब का भई लेके जात रहली बस एगो सूता लपटल आ वो आगी से धीरे धीरे उ धल हलस, आ जौन गुरु बहिना रहली उ जानली नाही, धीरे धीरे पूरा घर में आग लग गई, जौन उनकर मड़ई रहे सब आग लग गई, सब कुछ जर गई, ई तो कहीं महादेव के कृपा कि मरद आ लड़का बच्चा बाहर रहे लोग ई घर में रहली, आ घर से इहो घर में ना रहली दिया लेके बाहर जात रहली, पूरा घुमा के साँझ के बेरा दिया घुमा के फिर अंदर लेके आवत रहली, तबले पूरा आग लागल दीदी, आग लगला के वजह से पूरा मड़ई टाटी जर गल, जितना सामान रहे सब जर गए। ओकरा बाद से देखी दीदी अब ई रोए लगली, बाल बच्चा सब रोए लगल, कहाँ से का होई कैसे होई। ओकरा बाद से गाँव नगर के लोग कुछ मदद कइल, तो एगो झोपड़ी बनल, झोपड़ी में अपने बच्चा के रखे लगली। एक दिन का भइल ओहू जा से महादेव की ऐसा महादेव ऐसा परीक्षा लेनी कि ओहू जा जेकर जमीन रहे वो आके कहलन कि देख ऐजे से अपन है डोली डंटा हटा दलो, ऐजा हमरा के रहे के बा घर बनवावे के बा, ऐजे से तहन कहीं और चल जालो कहीं और रह सकेला लोग, ऐजे से हट जालो, ओहो ऐजे से हटा दलन, आ गुरु भाई जौन रह रोज कामे पर जा कहीं काम ना मिले, जब मुसीबत आवेला ना दीदी तो चारों ओर से आवेला, गुरु भाई जौन रहलन कहीं उनके काम ना मिले, गुरु बहिना दूसरे के घरे चूल्हा चौका करे लगली, चूल्हा चौका करत रहली। एक दिन सेठानी जौन रहली जिनके घरे चूल्हा चौका करत रहली, वो कहली कि बहिनी अब हमरा के जरूरत नहीं खे, हमरा के बुझाता हमरा मोटापा होता, हम अपने घर के काम खुद कर ले, तू अपने घरे जा। देखी दीदी ओह जैसे हटा देहल लोग, आ गुरु भाई जहाँ नौकरी करत रहना वो जैसे हटा देहल लोग, कहीं काम ना मिले। अब अंत में शिष्या जौन रहली गुरु बहिना रहली रोवे लगली, कहली कि ए जी चली अब नैहर के एगो आशा बा, चली कि नैहर में माई से कहल जाए माई एगो मड़ई दे दे हमारे लड़का बच्चा रहिया सा। अब वही जैसे दूनों बेकत निकलल लोग रोवत अपन बतियावत बोलत निकलल लोग कि माई से हैं कहब माई के दुख कहब, अरे केहू नहीं सुनी तो नैहर के लोग तो सुनबे करी। अली अली तो दरबार पर जब देखली अपने बाबूजी के बैठल गोड़े पर गिर के लगली रोवे, तो उनकर बाबूजी कहलन का भइल काहे इतना रोव तरु कोनो दुख बा परेशानी बा हमके बताओ बेटी। देखी दीदी एक चीज जान ली, जब मुसीबत आवेला ना तो केहू साथ ना देला। ओह जा गईली तो जब रोवे लगली तो पूछनी उनकर बाबूजी की का दिक्कत बा बेटी बताओ, तो बताओ तरी कैसे कह तरी आई सुनिए गीत के माध्यम से। विपति के मारल हो पापा आईनी तोर दुआरिया, अरे आईनी तोर दुआरिया हो किया हो पापा दे दाना टूट ही मड़ैया हो पापा, किया हो पापा दे दाना टूट ही मड़ैया हो पापा। जब ये बात कहली
तो उनका बाबूजी कहना अरे बेटी ई का कहतरु पहले हमके पता ना रहे बेटे कि तके दुख होई तू गरीब हो जेबू ना तो हम दूगो हिस्सा लगौती एगो तहरा हिस्सा लगौती एगो तारे भाई के आज तो एक ही हिस्सा लागल बा आ देखा बेटी एकर तो फैसला हमने की कर सकत अपने माई से जाके मांग लो तो का कहत रहन उनकर बाबूजी हम नाही जननी हो बेटी बनबू तू गरीबनी अरे बनबू तू गरीबनी हो किया हो बेटी जाई मांगिल मम्मी से जो पड़िया हो बेटी किया हो बेटी मांगिल न मम्मी से जो पड़िया हो बेटी उ कहतरन बेटी हम ना जननी कि तू गरीब होइबू न तो दू गो हिस्सा लगौती जा अपने माई से झोपड़ी मांग ल तुहर माई दे दी तो तू रही हा फिर रोवे लगली कहली चलो पापा ना देना तो कोनो बात नहीं खे माई तो हमके जरूर दे माई के लगे गईली तो माई के लगे रोवे लगली कि माई हमरा बड़ा दुख बा एगो टूटही मरई दे द फिर अपने माई से का कहतरी फिर उहे बतिया कहतरी बीपति के मारल हो मम्मी आईनी तोरे दुआरी आयरे आईनी तोरे दुआरिया हो किया हो मम्मी दे न टूट ही मड़ैया हो मम्मी किया हो मम्मी दे न टूट ही मड़ैया हो मम्मी मम्मी कह तरी अरे बेटी हम ना जानत रहनी कि तू गरीब होइबू फिर माई का कह तरी मम्मी कह तरी हम नाही जननी हो बेटी होइबू तू गरीबनी अरे होइबू तू गरीबनी हो किया हो बेटी मांगिल न भैया से झोपड़िया हो बेटी किया हो बेटी मांगिल न भैया से झोपड़िया हो बेटी रोवे लगली कहली शिष्या फिर से कि बतावा मम्मी हमार कहतरी हम ना दे पाई आ भैया से मांग ल बाबूजी ना देना माई ना देहली तब भाई दीह कि ना दीह चल एक बार पूछ तनी भाई के लगे गई भाई से कहली भैया हमर बड़ा दुख के मारल बानी हमरा के गो झोपड़ी टूटही दे द वही में गुजर कर लेम भैया हमार बाल बच्चा वही जे छोड़ के आयल बने फिर दुख बतौली फिर कहली कि फिर कहतरी बीपति के मारल हो भैया आईनी तोरे दुआरिया अरे आईनी तोरे दुआरिया हो किया हो भैया दे न टूट ही मड़ैया हो भैया किया हो भैया दे न टूट ही मड़ैया हो भैया फिर देखी दीदी जब भाई से मांगले टूटा ही मड़ाई तो भाई का कहतरन भाई कहतरन हम नाही जननी रे बहिनी होइबू तू गरीबनी अरे होइबू तू गरीबनी हो किया हो बहिनी मांगिल न भौजी से मड़ैया हो बहिनी किया हो बहिनी मांगिल न भौजी से मड़ैया हो बहिनी फिर देखी दीदी उ कहे लगली भाई ना देहलस माई ना देहलस बाप ना देहलस तयान के जन्मल भौजाई दे कि नाही चल एक बार उन्हों से मांग के देख तनी दे देली कि नाही देखी दीदी तब भौजाई के लगे गईली भौजाई के गोड़ पकड़ के रोवे लगली कि भाभी भाभी आज हमरा बड़ा दुख भइल बा बहुत तकलीफ बानी हमार बाल बच्चा दूसरे के दुआरी पर छोड़ के आयल बानी हमार घर नहीं खे एगो झोपड़ी रहला जर गईल दूसरे के दुआरी पर लैका टुकुर टुकुर राह देखत हुई सन महतारी के कि माई कुछ खाए के लिए आई भाभी अपन दरबार में कुछ दिन खाती हमके रख ल अरे नौकराई करब एगो झोपड़ी दे तू तहार घर के सब काम करब बस कुछ पल अपने लैकन के लेके जा रहब कहीं बढ़िया जमीन उमीन कहीं झोपड़ी उपड़ी डाल लेब तो हम चल जाए भाभी या से भौजाई का कहतरी भौजाई देखी भौजाई से कहतरी बीपति के मारल हो भौजी आईनी तोरे दुआरी आय रे आईनी
तोरे दुआरिया हो किया हो भौजी देई दाना टूट ही मड़ैया हो भौजी किया हो भौजी देई दाना टूट ही मड़ैया हो भौजी। भौजी कह तारी जब बात सुनी तो भौजी कहली का कहलू आज तो कह दिलू लेकिन फिर कहिय मत कहलू तो कहलू फिर कहिय मत तू कैसे ही बात कह देलू कि तारा के हम टूटही मड़ई दे टूटही मड़ई का एगो खर तो उठा के देवे ना करो जौने गोड़े आयल बलू वही गोड़े लवट जा फिर अह मत मेरे दरवाजा पे अली हा जमीन लिहन झोपड़ी बनवा कर पटीदारी खनियन आज इनके दे दे कल के हमार लैका बिलखी बिलार हो सन आज इनके रखे हम झोपड़ी दे दे कल हमार लैका के शेर बन के इनकर लैका मर सन आ जा जा हम देब नाही आ जेंग आयल बल वही उल्टे पाँव चल जा फिर दोबारा हमारे दरबार पर रही मत फिर का भइल फिर कह तरी भौजाई कहलू त कहलू एना न दो फेरी जानी कही है अरे फेरू जानी कही हा हो एना न दो मारब हम बढ़ा नीके मरिया ए ननदो किया हो नंदो मारे लाग बोल बढ़ा नीके मरवा ए ननदो कली की आज कहलू तो कहलू फिर कहिया मत आ निकल जा न तो बढ़नी से बड़ी मार मारब का कैली बढ़नी बढ़नी बड़ी मार मरली मार पीट के निकलली कली ना जेबू एजा से करी भाभी कुछ दे दे खाई के दे दे हम अपन लेकन के भूखे रख के अलबन कुछ खिया दे कह तरी भौजाई कि पैदा कैलू हमारे भरोसे पैदा कैलू तब नहीं जानू कि कहाँ से खियाई आ जेंग आयल बड़ू वहीं चल जा मंगी हम मत एगो रोटी जब रोटी मांगली बढ़नी उठौली भौजाई बढ़नी बढ़नी बड़ी मार मरली झाड़ू झाड़ू मार के दून जानी के घर से बाहर निकल देली ऊ लो गाँव के गोड़े गोले तो रोवे लागल लो कह लो कि कह तरी जौन शिष्या रहली कहलिए जी जाय दी रोई मत चली देखी हौ गाँव के गोड़े हो जा शिव चर्चा होता वही जा चले के महादेव के शिव चर्चा में चलन जा भजन कीर्तन कह के तब घरे चल जाए लेट तो होइए गेल बा लैकन के कुछ खाए के चाहे प्रसादी दे दिलो वह बच्चन के खिया दे दूनो जानी गई लो शिव चर्चा में महादेव से दया मांगल लो भजन कीर्तन कैलो दया मांग के फिर का कैलो प्रसादी ले लो चनामृत लेके घरे चली आई लो आयल तो वहे बच्चा के खिया के कहलो बेटा ये खा ल लेका कहल सन कि माई मामा कि यहाँ गई ललू नानी कुछ दिलस नहीं है मम्मी कुछ दिली नहीं है कहली नहीं बेटा हम तहरे मामा कि यहाँ ना गई लनी है बेटा हमने कि काम के तलाश में गई लनी है के काम ना मिला तो शिव चर्चा करे लगनी है के हैला बेटा प्रसादी अब जेगा हम रह वही तहन के रख बा है प्रसादी खा के अपन जिंदगी बिता ललो का कैली कि प्रसादी लैका के खियाली लैका के खिया के आ वही धूर माटी रहे तनि जेकर घरे लैकन के रखले रही वही जे दुआरी पर बिछा के अपन अचरा साड़ी उड़ी तो सब जर गेल है अचरा बिछौली आ बिछा के वही पर लैकन के सुता दिली आ अपने मर्द मेहरारू बैठ के रात भर अगोरत रह लो मच्छर माछी काट सन तो बेना डोलावा हाथे से कि हमारे लैकन के मच्छर माछी ना काटे ओकरा बाद से ई सुत गईलो का भइल दीदी एक दिन महादेव परीक्षा पूरा भइले के बाद महादेव आईनी कहनी कि एकर बाल बच्चा बहुत तकलीफ में बा महादेव का कहनी आईनी जोगी के भेष में आके कहनी ए बच्चा कुछ अनाज दे द अब शिष्य ऋषि अली कहली ए बाबा का दे रौरा के महादेव हमरा के इतना देल ही नहीं कि हम दे रौरा के वो हमके देव तबे ना हम रौरा के दान करब हमारे घर में है तनी चाउर के अनाज नहीं कि हम का दे कुछ नहीं के कहलन कि नहीं जा देख कुछ तो हो का बल कि जहाँ सुतल रहना लैका फैका सुतल रहे वो जा मांग के लिए आई लली माई बहन से रोटी आ नमक वह नमक रोटी लेके गईली महादेव के दिली कहली ए बाबा हैली कहलन कि खाना तो दे तनी पानी पिया द बच्चा हमार हिया जुड़ा जा पानी ले आवे गईली दीदी महादेव दया कहनी जवन उ रोटी नमक रहे उ फूल बन गई
अंदर जब जेकर जहाँ से गिलास लिया ललिया अंदर गली गिलास रखे खाती तो देखा तरी कि उनकर घर महल दुतल्ला बन गई आ लड़कन के कपड़ा जूता मोजा सब कुछ आ गई। जब देखली कहली हे महादेव रउआ बड़ा दया कैनी हमरा पे राउत दया के वजह से आज ई भइल आ महादेव तो वजह से अंतर ध्यान हो गई नी लगली महादेव के गुहार करे हे महादेव रउरा सही में रउरे घर में देर बाबा की अंधेर नहीं खे आप देर से ही कहनी लेकिन हमरे घर में अजोर तक कहनी महादेव यही से महादेव के हम भक्ति भजन कहनी आ ओकरा बाद से देखी दीदी अपन महल में रहे लागल लोग महादेव के पूजा अर्चना करे लागल पूजा पाठ करे लागल लोग। एक दिन उनका भौजाई कहली कि हो अरे जैता तनी अपने बहन के हालचाल ले आई था कि आखिर में एजा से गए तब से हमनी के घर धीरे धीरे बिलाए लागल आयादा से ज्यादा बिला गई हमनियो के बिला गई बानी के तन जैता देखता तहार बहन का हाल बा तहार बहन के कहलन कि कहलू तो कहलू फिर कहियो म हमार बहन जब तसे मदद मांगे आई रहे केहू जानी मदद ना कैला लो हमहू ना मदद कैनी और तौर हे तनी पानी तो पूछल नहीं बढ़नी से मार के हमारे बहन के निकाल दिलू कह तरू कि जाके पूछ के आव फिर कहियो मत ओकरा बाद से कहली अरे जा हमनी के तब धीरे धीरे बिलाते बा अब कौन चीज के घमंड बा जाई देखी राउर बहन का करत करी का भइल कि उनकर भाई जब बात सुना ना तो दूनो जानी आए लो भाई भौजाई आए लो तो जब देखली अपने भाई के तो देखे दीदी घर में रहे लोग लड़का जब देखल सन तो कहल सन ए मामा आए बड़न मामी आए बड़ी जब माँ मामी के देखल जब बात सुनली शिष्या दौड़ल बाहर अली आ देखी उतना कैले रहली तबो एगो फुल्हा थरिया ले लेली एगो लोटा लेके पानी भर के ले अली चरण पखारे खातिर दोनों जानी के ओकरे बाद से अपने भाई के कहतरी या का कहतरी आवाहु में आवाहु भैया हमारी महलिया अरे हमारी महलिया हो किया हो भैया बैठना लल की पलंगिया हो भैया किया हो भैया बैठना लल की पलंगिया ए भैया का भइल कि भैया भौजी दोनों जानी अंदर आई लो गोड़ पकड़ली पानी से जब देखा लोग तो कहत रहन कि बहनी तोर तो हेजा मरई टाटी रहल कैसे दुतल्ला मकान बन गए कहली कि भैया तहन लोग ना दे लो शिव चर्चा में गईनी महादेव के शिव चर्चा कह के अनी प्रसादी लेकर खिया के सुता देहनी दो तीन दिन के बाद महादेव दर्शन देहनी आ हमसे मांगत रहनी कुछ खाए के हमारे घर में कुछ रहे ना ही दूसरे के दुआरे सुतल रहनी एक जन एक दूसरे से गिलास मांग के लिए अनी आ वो नहीं कि घर से रोटी रहे सुखल उहे रोटी ले आके नमक रोटी देहनी आ घर में गईनी पानी ले आवे अंदर कल में से तो देखा तनी वो फूल बन गई आ घर के अंदर गईनी तो देखा तनी मरई टाटी हो गई इहे रहल यही के वजह से महादेव हमरा पे इतना दया बरसौनी भौजाई कहली कि ए बहिनी हमरा के माफ कर दे बहुत बड़न गलती भइल तहरा के हम मदद ना कैनी तो कहली भाभी देख बुरा मत मानी तहरा से एगो बात कही दरवाजा पे केहू जाओ एक लोटा पानी जरूर पूछे के चाहे ऐसे भगावे के ना चाहे लेकिन तू ऐसा हमके भगौलू भाई के बात माई बाप के बात तो हमारा ना बुझाए लेकिन तहार बात हमारा बड़ा बुझाए फिर का कह तरी कह तरी देखा भाभी बुरा मत मन तू ऐसा कैलू ऐसा तक ना करे के चाहे फिर का कह तरी अपने भौजाई से दुआरा पगैनी हो भौजी पूछलू नाही पानी आया रे पूछलू नाही पानी आहो किया हो भौजी तू ही मरलू बढ़ा नीके मरवाए भौजी किया हो भौजी तू ही मरलू बढ़ा नीके मरवाए भौजी कहली कि हाँ सही कहतरू पानी त ना पूछ लेकिन तक बढ़नी बढ़नी बड़ी मार मरले रहने हमरा के माफ कर द आ हमार तो सब भी ला गई जेगा हम तहरे साथे गलत कनी उंगा हमार सब भी ला गई हमरा कुछ बा नाही अब हमरा के अपने घर में रख लो कहली नाही भौजी तू अपने ही घर में रहबू महादेव से देखी उतना कैले रहली लेकिन महादेव से फिर लगली विनती करे हे महादेव जैसे रौरा हमार ससुरा में दया कैनी वैसे हमारे नैहर में दया कर दी महादेव नैहर ससुरा दोनों बनल रहे हे महादेव तो लगली माफी मांगे
तई कहली कि हमसे माफी मत मांग, शिव गुरु महादेव से माफी मांग, महादेव तहके माफ करी हाँ तबे तहके दया बरसी। महादेव के चरण में दोनों जानी मर्द मेहरारू माफी मांगल लो। मांगला के बाद से शिष्या फिर बैठ गली आसन पर, आसन पर बैठ के महादेव से दया मांगे लगली कि हे महादेव नहीं हर ससुरा दोनों बना दे, महादेव रउरा पे आशा लगौले बहन जेगा हमार ससुरा में दया कनी वैसे नैहर में भी फिर दया कर दी महादेव, एक बार बस और दया कर दी ना, तो अगर आप भी इनके छोड़ दे तो इनकरा में हमारा में कोनो अंतर ना रही महादेव, एक हाथी आप दया कर दी महादेव। फिर महादेव के दया बरसल, उन्हों के नैहर भी बन गई, ससुरा भी बन गई, आवे जावे लगल लोग, दोनों जानी के जिंदगी बहुत अच्छा से कटे लगल। हे शिव गुरु महादेव जैसे ओ शिष्या के ससुराल पे दया कैनी वैसे सब पे दया करी, सबके पीछे हमरों पे भी दया करी महादेव, पूरा संसार पे दया करी, सबके पीछे हमरा पे भी दया करी महादेव दया करी। आज की कथा जनबा दीदी शिव गुरु के चरण में विराम करतनी, फिर अगले कथा में मिलब आप लोग से, ऐसे ही देखल करी हमार कथा, प्यार दुलार आशीर्वाद देत रही। आज खातिर इतना ही, धन्यवाद।